दिल्ली की क्राइम की दुनिया में जबरदस्त हलचल मच गई जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने ऑपरेशन नो नेम नो फेम के तहत एक बड़ा कदम उठाया। इस अभूतपूर्व कार्रवाई में पुलिस ने करीब 200 सोशल मीडिया खातों को बंद कर दिया जो गैंगस्टरों द्वारा भर्ती और आपराधिक गतिविधियों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इन खातों पर अपराधियों ने अपने अपराधों और जबरन वसूली अभियानों की वीडियो पोस्ट करके युवाओं को आकर्षित करने का काम किया था। खुफिया जानकारी से खुलासा हुआ कि प्रमुख गैंगस्टर इन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल नए रंग रूटों को अपनी ओर खींचने और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलने के लिए कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वे अपने आपराधिक जीवन को ग्लैमरस और रोमांचक दिखाते जिससे युवा उनकी झांसे में आ जाते। ये गंभीर समस्या बन गई थी जिससे निपटना जरूरी था। डीसीपी अमित कौशिक ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए साफ किया कि गैंगस्टरों की पहचान और उनके अपराध सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे ताकि उनके प्रभाव को फैलने से रोका जा सके। इंस्पेक्टर शिव कुमार और सतीश राणा के नेतृत्व में एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने जालंधर में एक महिला डॉन और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने एक विदेशी गैंगस्टर के लिए 3 युवा लड़कों की भर्ती की थी। पिछले 5 दिनों में इसी तरह से अन्य 5 ऑपरेशंस के दौरान पुलिस ने बिना पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड वाले 5 नए रंगरूटों समेत 15 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर ग्लैमरस आपराधिक जीवन शैली से प्रभावित युवाओं को उनका पहला अपराध करने से पहले ही रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस की इस निर्णायक कार्रवाई ने गैंगस्टर जीवन शैली के आकर्षण पर जोरदार प्रहार किया है। नो नेम नो फेम अभियान ने साबित किया है कि कानून और व्यवस्था की शक्ति के सामने कोई भी अपराधी टिक नहीं सकता। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।